अध्याय 3 में संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी हमने आपको संसाधन के बारे में बता चुके हैं कि क्या क्या देखा था अपन ने। भूमि संसाधन देखा था, उसके पहले संसाधन किस प्रकार होते हुए देखे थे। आज हम देखेंगे जल संसाधन। पहले देखे थे हमने वन और वन्य संसाधन। जल संसाधन क्या है? जल आप लोग सब जानते हैं, जल जो है जिसके बिना हमारा काम संभव ही नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने वाले योग अलवणीय जल के अनुपात में कम है। इस तरह से हम देखेंगे जल हमें सतही अपवाह भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीनीकरण पुनर्भरण जलीय चक्रण द्वारा होता रहता है और जलीय चक्रण से गतिशील रहता है और जल नवीनीकरण सुनिश्चित होता है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, पानी गिरता है, फिर धूप लगती है, भाप बन के ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर वो वाष्पीकरण होता है, उसके बाद फिर वो बादल बनते हैं, बादल फिर उसके बाद फिर वापस गिर जाता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी में 3/4 भाग जल से घिरा है तो जल एक नवीनीकरण योग संसाधन कैसे है? इस बीच में अनेक देशों में ऐसे क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? तो ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोगों को जल की नितांत कमी झेलनी पड़ेगी? जल की दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता है, ये आप लोग भी जान रहे हैं। जल के विशाल भंडार और उसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम जल की कमी की बात करते हैं और तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान में आता है। मानस पटल में यह तुरंत राजस्थान और मरुस्थल जल भरे मटके संतुलित करती है, जिसमें जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में भी समय समय के स्थान के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है। जल की कमी इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों के जल के असमान वितरण के कारण भी होता है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई प्रकार इसके उदाहरण हैं। जल दुर्लभता, आर्थिक और बढ़ती जनसंख्या, इसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में भी आवश्यक पड़ती, अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए होता है, अनाज के उत्पादन बढ़ाने के लिए भी जल संसाधनों का अधिक शोषण करके भी सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। उसी प्रकार से शुष्क ऋतु में भी खेती की जाती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है क्योंकि शुष्क कृषि तकनीकों में सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में भी क्रांति लाने की आवश्यकता है। फिर आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा, बहुत से किसानों खेतों में अपने निजी कुएं और नलकूप और सिंचाई करने का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसका परिणाम यह हो सकता है कि भौम जल का स्तर जो है वह धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है और गिर सकता है। लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में भी पड़ सकती है, क्योंकि हम जिस तरह से बोरवेल करवा रहे हैं, ट्यूबवेल लगा रहे हैं, तीसरे भूमि का जल हम खींचते जा रहे हैं, लेकिन भूमि में हमारा जल जो है वह जा नहीं रहा है। इसलिए भूमि की जो स्तर है वह धीरे धीरे नीचे जा, पहले 80 फीट पे भी हमें पानी मिल जाता था, 50 फीट पे भी पानी मिल जाता था, लेकिन अब 200-250 फीट खोदो तो तब पानी हमें प्राप्त होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि जल का स्तर कितना नीचे जाता जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद हम देखेंगे तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है, जिसमें विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल बहुत जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े बड़े उद्योग घरानों के रूप में फैली हुई, उद्योगों में बढ़ती जनसंख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर भी दबाव पड़ रहा है। उद्योगों के अत्यधिक जल के अलावा उसे चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है और वर्तमान समय भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता और बढ़ोतरी हुई है, अपितु इससे संबंधित समस्याओं और भी गहरी हुई है। शहरी आवास समितियों कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए। कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधन का अतिशोषण हो रहा है और इसकी कमी होती जा रही है। अब हम ने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। अब हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जब लोगों की आवश्यकता के काफी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराबी गुणवत्ता के कारण होती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों के कृषि उपयोग द्वारा प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक होता जा रहा है। तो आप लोग देखते होंगे कि जो नाले में पानी जा रहा है, और नाले का पानी कहाँ जा रहा है, नदी में जा रहा है, उद्योग का पानी कहाँ जा रहा है, नदी में जा रहा है, इस तरह की और जल प्रदूषित होता चला जा रहा है, जो कि हमारे पीने लायक भी नहीं बच पाएगा। और आने वाले समय में स्वाभाविक है हमें जल की अति आवश्यकता जो है उसमें बाधा उत्पन्न होने वाली है। फिर समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन
सुनिश्चित करने के बाद हमारे प्राकृतिक परितंत्र में निम्नीकरण होने की बचाएं जल संसाधनों का अति शोषण और कुप्रबंधन, इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। फिर हम देखेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन। हम जल संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व वैज्ञानिक ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज में बताते हैं कि प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थर और मलबे से बांध, जलाशय और झीलों के तटबंध और नहरों के लिए उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई जाती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में भी बांध बनाए हैं। बांध क्या है? अब हम देखेंगे कि बांध क्या है। बांध वह है जो जल संरक्षण प्रबंधन के में सहायक है और परंपरागत बांध नदियों वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद उसे हम खेती की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते अपितु इसमें उत्पादन, घरेलू औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौका नौचालन, मछली पालन भी है। क्योंकि ये बांध में लोग घरेलू उत्पादन भी करते हैं, औद्योगिक के लिए भी जल का करते हैं, मनोरंजन के लिए भी हम नौकायान वगैरह कर सकते हैं, बाढ़ नियंत्रण भी हो सकता है, मछली पालन भी हो सकता है। इस तरह से बांध में बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिससे कि लोगों को लाभ होता है। एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर सतलुज राज्य बेसिन भाखड़ा नांगल परियोजना में जल विद्युत उत्पादन में सिंचाई दोनों काम आती है। जैसे हमारे यहाँ बरगी में जिससे विद्युत उत्पादन भी होता है, सिंचाई के काम भी आती है। उसी प्रकार से महानदी बेसिन में भी हीरागुड़ परियोजना में जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंध उपागमन के आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण ही हमारे देश के समृद्धि के रास्ते जो हैं वे खुलते चले जा रहे हैं और यहाँ पर वाहन के रूप में भी देखा गया। जैसे जवाहरलाल नेहरू कहते हैं बांधों के आधुनिक भारत के मंदिर कहाँ करते थे। उनका मानना था कि परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेंगे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना बड़े बांध कई कारण परिनिरीक्षण और विरोध का विषय बन गए, क्योंकि नदियों पर बांध बनने से उनका बहाव नियंत्रित करने से प्राकृतिक बहाव भी अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट का बहाव कम होने से अधिक जलछट जला तली पर जमा होता रहता है और नदी की तल अधिक चट्टानी हो जाती है और नदी जल जीव आवासों को भोजन की भी कमी हो जाती है। बांध नदियों के टुकड़ों में बांट देते हैं जिससे कि विशेषकर अंडे देने वाली ऋतु जलवी जीवों को नदी में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा यह मौजूद वनस्पति और मिट्टी जल में डूब जाती है जो कालांतर में अपघटित हो जाते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना जो है बड़े बांध और इससे क्या होता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इसमें परियोजनाओं के मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय को बृहत स्तर पर विस्थापन का कारण आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव और नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, उद्योगपतियों को या नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, वास्तव में वे ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं। सिंचाई ने क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया जहाँ किसान जल ग्रहण वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मृदाओं में लवणीकरण जैसे गंभीर परिस्थिति परिणाम हो सकते हैं। इसके कारण अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीन में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य ही बदल दिया है। बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग में लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं और गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे मैदान दौरान नगरीय अधिक जलापूर्ति देने में परेशान उपजन उतारू हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे नदी परियोजनाओं में उठी अधिकतर आपत्तियां। उद्देश्यों के विफल होने पर एक विडंबना ही है जो बांध नियंत्रण के लिए बांध जो है बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं और जलाशय तलछट में जमा होने के कारण बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। अधिक वर्षा होने की दशा में बड़े बांध कई प्रकार के बाढ़ नियंत्रण में असफल हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र गुजरात भारी वर्षा के दौरान बांधों में छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और विकट हो गई थी। इन बाढ़ों से न केवल जान माल का नुकसान हुआ अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय तलछट पर जमा होने लगे। इसका अर्थ यह है कि तलछट में एक प्राकृतिक उर्वरक और बाढ़ के दोनों मैदान नहीं पहुंचती है। इस कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती जा रही है। फिर बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों कीटाणु जनित बीमारियां, प्रदूषण फैलाते हैं। फिर हम देखेंगे कि वर्षा जल का संग्रहण कैसे करते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण इसके सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के तौर पर व्यवहारिक विकल्प हो जाते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण के ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा की पद्धति, मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था और उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों में, उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों में भी जल के
फिर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों गुल तथा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई। फिर पश्चिमी भारत में विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल का संग्रहण का आम तरीका अपनाया। फिर पश्चिम बंगाल में हम देखेंगे कि बाढ़ के मैदान में लोगों ने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाए। शुष्क और अर्धशुष्क खेतों में भी वर्षा जल के एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान में जैसलमेर में खादीन और अन्य ऐसे जोहान जिसके उदाहरण है। राजस्थान में अर्धशुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर फलौदी बाड़मेर हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना होता था जिसमें कि फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.24 मीटर चौड़ा टाका होता था जिसको कि सुव्यवस्थित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र से अभिन्न हिस्सा होता था जिसे मुख्य द्वार और आंगन से बनाया जाता था। वे घरों के ढलवा छतों के पाइप द्वारा जुड़े होते थे और छत के वर्षा का पानी नलों के द्वारा होकर इकट्ठित हो जाए। आप बुक में जब देखेंगे, बुक में रीडिंग करेंगे तो आपको बुक में चित्रों के द्वारा ये सारी चीज़ें जो है समझाई गई हैं, आप लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं। जहाँ ये एकत्रित किया जाता था, वर्षा का पहला जल छत नलों को साफ करने पहला पानी गिरता है तो उसको छत को साफ करने के लिए प्रयोग में होता है। फिर उसके बाद जब कचरा पूरा बह जाता है तो उसके बाद फिर ढक्कन को उसको घुमा दिया जाता है तो पूरा जल जो है बाद का जल पूरा जो है टाके में संग्रहित हो जाता है। टाका में वर्षा जल अग्नि वर्षा ऋतु से संग्रहित किया जाता है और जिसमें तक वहाँ जब तक जल उपलब्ध करवाने वाले जल स्रोत बनता है, पालर पानी है इसे उस क्षेत्र में पुकारा जाता है। फिर घर में टाकों के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं जहाँ पर कि यह जल का स्रोत जो है और कमरा को ठंडा रखने में भी है काम करता है। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों के टाकों की सुविधा अभी भी है लेकिन नल में के पानी का स्वाद जो है पसंद नहीं होता है और सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी तरीका अपनाया गया है। मैसूर के जिले में स्थित एक सुदूर गांव गुंडसूर में ग्रामीणों ने अपने आवश्यकता की है जिसमें कि घरों में 200 घरों में यह व्यवस्था और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गाँव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है 10 भराई जो साथ संग्रहण अधिक से अधिक घर प्रत्येक 50 लीटर जल संग्रहण करना किया जा सकता है और साथ ही साथ हमको जल को एकत्रित करना चाहिए और उसका जो उपयोग हम कर रहे हैं उसे कम से कम करना चाहिए। जितना हमारे लिए उपयोगी है उतना ही हमें करना चाहिए।